तो ये बन रहा है जी हलवा। थोड़ा नाम क्या है आंटी जी? अब आपको संभाल गुंडा बनाना मेरी बेटी को। मैं हूँ ऑलरेडी गुंडा। यात्रा करते हुए बात करने में अलग ही आनंद है। हम कहाँ जा रहे हैं? सरसों का साग भी है, मिक्स
वेज भी है, मक्की की रोटी भी है, पर हमने अभी सिर्फ एक खा ली है वेजी। थाली में है कड़ी, दाल, मिक्स वेज, चावल और अभी आने वाले रोटियाँ। पर मैं कंट्रोल नहीं कर सकती कि मैं खा रही हूँ चावल। तो इस डाल दो, अच्छी बनी है, अच्छी बनी, वो अच्छी बनी। नहीं नहीं नहीं, इतना ना खिलाओ आंटी, बटर ही बटर डाला है आंटी। आपके पास तो मोटी हो जानी है, मैंने इतना नहीं। अच्छा है, एकदम घर वाला खाना है। खाना इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी कि क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है घर में खाया। आंटी मैं सबको बता रही हूँ कि आपका खाना बहुत अच्छा है, और आंटी के हाथ का खाना अच्छा है तो सोचा कि मीठा क्यों छोड़ दूँ। तो अभी आंटी को मैंने कहा कि मीठा कुछ खिलाओगे, मैं कहा बना दूँगी, बेसन का हलवा खाओगे। तो पहले मैंने मना किया कि नहीं, रहने दो, टाइम लगेगा। अब खाना खाने के बाद और इनका स्पेशल अचार आम का, मैंने कहा खा ही लिया, तो बेसन का हलवा खाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। मैं बता दूं कि कहां तक हम आ गए हैं, दिल्ली टू धर्मशाला करीब करीब मतलब लगभग 500 किलोमीटर है, और थोड़ा ऊपर नीचे होगा। उसमें से हम लोग कितना चल चुके होंगे, हमने 250 किलोमीटर तो ट्रैवल पूरा कर लिया है, और ये जगह आया है जो कि हम बाद में इसका बोर्ड दिखा देंगे, क्योंकि बताने में कुछ न कुछ मिस हो जाएगा, तो उसमें नंबर भी आ जाएगा। आप ये कौन सी जगह बताई थी आपने, बूंदा साहब, तो हम बूंदा साहब में पहला स्टॉपेज लिए हैं। बोंगा ये, हाँ हाँ हंसे तो। अच्छा अच्छा, तुम बताओ जगह का नाम क्या है। बूंगा साहब। और तुम्हारा नाम क्या है, क्या नाम है, फिर से बोलो। रिया मित्तल। रिया मित्तल, तो रिया गलत नाम पे हंस रही है कि ये जो मैंने बोला है उसको डिलीट कर दो, और जो रिया ने बोला है उसको फीड कर दो। तो ये बन रहा है जी हलवा। थोड़ा नाम क्या है आंटी जी। होला। और देख रहे हो साथ में चटनी की तारीफ की, और उन्होंने आम का ये अचार, कह लो आम का चटनी, ये पैक करके दिया है। ब्यूटीफुल प्लेस और बहुत टेस्टी खाना था। आंटी बहुत अच्छी है, और अगर इस रास्ते से जा रहे हो तो खाना खाकर जाना, नया बिजनेस है, आशा है कि इंग्लिश में सफर। तो खाना वाना खा के थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करके, अभी हो रहे हैं 12:30, हम यहाँ आराम से 45 मिनट रुके हैं, हलवा शलवा बनवा कर खाया है, अब निकल रहे हैं। पता नहीं घर का खाना अब कब और कहाँ मिलेगा, इसलिए जहाँ भी मिले मैं वो मौका छोड़ूंगी नहीं। मैं वेट कर रही हूँ कि धर्मशाला आने के पहले, थोड़ी पहले से ही ना वो जो पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और वो जो हवा चेंज हो जाता है वो कब होगा। बार बार मैं अपना विंडो ग्लास ऐसे कर रही थी और देख रही थी, मैंने कहा नहीं अभी तो धर्मशाला बहुत दूर है। इतना फ्रेश एयर होता है, मैं पहले से ही भूमिका बांध रही हूँ ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं याद ताज़ा कर रही हूँ, भूमिका नहीं है ये। मैं धर्मशाला ये तीसरी बार जा रही हूँ, दो बार गई हूँ, अब दो बार क्यों गई, क्या क्या हुआ वो सब तो अब वहाँ पहाड़ों में हम गप शप मारते ही रहेंगे, लेकिन अब हम मिलते हैं थोड़े उस पहाड़ी वाले रास्ते पे। क्या अब थोड़ी देर में मिलते हैं जब पहाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी।
देख रही हूँ बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं और ये बड़ा मार्केट है यहाँ का। तो इसके पहले जब मैं आई हूँ यहाँ पर, तो मैं आई थी फ्लाइट से और दो बार आई हूँ फ्लाइट से, तो ये रास्ता मुझे बहुत नई आइडिया था। तो ये पहली बार मैं ये सब देख रही हूँ, तो मेरे लिए भी न्यू है। और जिस कंडीशन में आई थी मैं यहाँ पर, वो घूमने वाला टाइम नहीं था। मैं यहाँ पर अपने पापा के बीमारी के टाइम पे आई थी यहाँ मेडिसिन लेने के लिए, टिबेटन मेडिसिन के लिए आई थी। तो बहुत ही एब्रप्ट सा मामला था। तो चलो अभी वो यादें नहीं ताज़ा करते हैं, अभी हम नई चीज़ें देखते हैं और बीच बीच में बताते रहेंगे। यहाँ से अच्छा खासा नाता है और कुछ लोग हैं जिनको मैं यहाँ आप जानती हूँ, तो उन लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ेंगे। चलता हुआ पहली बार देखूंगी, उसको मैंने बेड पर देखा था उस टाइम पे। तो सोच रही हूँ जाते जाते रास्ते में उसका घर ढूंढकर उससे मिल लूँ। उसको बताया है कि आ रही हूँ, पर मैंने एग्जैक्टली टाइम और डेट नहीं बताया है। तो लेट्स सी मैं वो जगह पहचान पाऊंगी या नहीं। वैसे तो 5 साल में बहुत चेंजेस दिख रहे हैं मुझे इधर, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं घर पहचान सकूँ। पहाड़ों में होम स्टे बहुत है, लेकिन उस टाइम पे मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मैंने यहाँ पर 1 महीने, सोचो 1 महीने पर डे पैसे देकर रह रही थी। बहुत स्टुपिडिटी किया था उस टाइम पे, और लोग भी ऐसे मिले थे कि स्टुपिड बनाया। गुरी तो लास्ट में मिला था मुझे, तब मुझे आइडिया हुआ इस जगह के बारे में कि अच्छा ऐसे भी रहा जा सकता है और इतना रीजनेबल है ये जगह। मतलब हाई एंड भी है और मिनिमम भी है। तो मिनिमम वाले का अलग मज़ा है और हाई वाला तो आप शहर में मज़ा कर ही रहे हो। तो चलो अभी हमें कुछ नहीं पता हम कहाँ रहेंगे क्या करेंगे। हमें जाना है धर्मशाला से भी आगे। इस बार मैं कुछ नई जगह को एक्सप्लोर कर रही हूँ जहाँ मैं अब तक नहीं गई। तो पहला शुरुआत कर रही हूँ गुरी के घर से, और गुरी की शादी हो गई है तो उसकी वाइफ से भी मुलाकात होगी। तो अभी मैं घर ढूँढ लूँ, उसके बाद ढूंढ कर आपको भी बताती हूँ कि मिला मेरा दोस्त या नहीं। कहाँ पार्क करेंगे ये सड़क पे? नीचे उतार दो, आ जाओ गाड़ी ले। तो मैं आती हूँ। मुझे उतर जाने दो। बापरे, फुल ब्रेक। कंप्लीटली ये जगह बदल चुका है और गुरी भी बदल चुका है। गुरी मुझे लगा था लेकिन बहुत चेंज हो गए हो, बेड पे देखा था तुम्हें लेटे लेटे। अमरूद लगा था मुझे, पर ये लोंकू है। सब्जी लौकी की तरह है क्या? बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी। किसी के साथ मिक्स करते हैं या सिर्फ वैसे? नहीं वैसे ही बनाते हैं। इसी में डाल देती हूँ। तुम क्या बोलते हो अपनी वाइफ को, किस नाम से? मैं नाम भूल जाती हूँ। मैं नीति हूँ वैसे नीति। तो पर वो मुझे कुछ बोलते नहीं है, बेटा बेटा ही करते हैं। बेटा या बहन? ये हमारी बहन और बेटा यानी कि नई नई एडिशन इस परिवार में, यानी कि नीति। और ये हमारा दोस्त
जिससे हम पूरे रस्ते में जितने बात कर रहे थे ना कि मिलने जा रहे हैं मिलने जा रहे हैं। नहीं हूँ, लास्ट टाइम मैं लेटा हुआ था, इस टाइम मैं खड़ा हूँ, इतना ही फर्क है। 19 महीने तुम लेटे हुए थे भैया मेरे साथ, मई में, मई और जून में आप यहाँ पे। दादाजी अब नहीं रहे लेकिन उनकी यादें इसने संभाल कर रखी हुई हैं। ये सब अभी तक कुछ भी बेचा नहीं है एंड आई एम सो हैप्पी कि ये सब फ्यूचर के लिए उसने संभाल कर रखा हुआ है। यहाँ कुछ उसका प्लान चल रहा है और हम लोग बैठ कर यही सब बातें करेंगे क्या करना चाहिए यहाँ। थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे, पहले दोस्ती यारी थोड़ा गप्पे शप्पे कर ले, फिर मिलती हूँ आप लोगों से प्रॉपर। गुरी कहाँ गए तुम लोग? नीति अच्छा, अरे इतना फास्ट नहीं हो तुम दोनों की बेटी, मुझे अडॉप्ट कर लो, पली पलाई बेटी है और मेरा नाम आशी होता है गुरमीत कौर की, मैं हूँ गुरमीत कौर। क्या चाहिए और बेटियाँ क्यों चाहिए होती हैं? माँ बाप को संभाले, गुंडा बनाना मेरी बेटी को, मैं हूँ ऑलरेडी गुंडा, इसको गुंडा बनाना है। हम थक गए लेकिन वो जगह पूरा नहीं घूम पाए, वहाँ बड़ा है और ये स्पेशली चाय मैं पीने यहाँ आती हूँ। एक बार पिया है ये दूसरी, देखो मैंने पत्ती नहीं डाली बिल्कुल। हाँ आंटी मुझे याद है, पुदीना लेमन ग्रास है हाँ, और ये पुदीना है हाँ, विच गुलाब की पंखड़ियां है, गुलाब की पंखड़ियां है हाँ, ले जाना आप। अच्छा हाँ मैं थोड़े से ले जाऊंगी, और मीठी सौंफ डाली है और तुलसी का डाला। अच्छा मीठी सौंफ, यहाँ की जो सौंफ है वो लेके जाना, वो बोन्स के लिए बहुत अच्छी होती है। वो कहाँ मिलेगी? किसी भी दुकान पे आप जाओगे ना सिंपल सॉफ बोल दोगे तो दे देंगे। यहाँ की सॉफ और आप बॉम्बे की या कहीं की भी मैच करके तो वो पतली होगी, यहाँ की मोटी है। यहाँ के पुदीने में भी फर्क है, एग्जैक्टली वहाँ जो हम पीते हैं और यहाँ के पुदीने में बहुत फर्क है। मैं लेकर जाऊंगी लगाने के लिए, मैं वो भी पहले बोल दूंगी आपके लिए रख देंगे। बहुत टेस्टी है यार ये, डिफरेंट चाय होती है। बात करते करते नीति आंटी सबके साथ बात करते करते इतना टाइम भी दिया कि पता ही नहीं चला। मैंने बोला था गुरी से, गुरी सिर्फ 20 मिनट आऊंगी उसके बाद मुझे निकलना है। गुरी ने कहा हाँ हाँ आ तो जाओ, यहाँ क्यों बैठो, मैं वहां बैठू। तो बातों का सिलसिला ऐसा चालू हुआ कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और हम सब एक टाइप के लोग हैं और यहाँ कहानियों का बौछार हो रहा था तो बीच से कैसे उठते। तो अभी हो चुका है 8, यानी कि शाम तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मैं क्लॉडगंज का। अब मैं जगह का जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर देती हूँ। पहले आता है धर्मशाला, फिर आता है ये जोगीवाड़ा जहाँ हम हैं, और यहाँ से आ जाएगा अपना मैक्लॉडगंज। तो हम मैक्लॉडगंज चलते हैं, जोगीवाड़ा के बारे में कल बात करेंगे। ये जो पूरी जगह है ये ऑलमोस्ट पूरी जगह गुरी और उनकी फैमिली की है, तो यहाँ हर जगह की छोटी छोटी कहानियां यहाँ के लिए है, पर हम आज करेंगे मैक।
हथौरागंज का थोड़ा सा दर्शन, उसके बाद मिलेंगे। ठंड है यहाँ पे, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा चेंज करने, थोड़ा फ्रेश होने, और पैदल चलेंगे, कार वाले को नहीं जाते। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे हम जा रहे थे आगे, और रास्ते में हमको एक तिब्बतन कैफ़े मिल गया, तो हमने सोचा कि उन्हें कुछ ट्राई कर ले। तो ज़्यादा कुछ नहीं ऑर्डर किया है क्योंकि भूख ऐसे कुछ ख़ास नहीं है, चलते चलते एक टाइम पास वाला मन कर रहा, तो हमने वेज मकतुक पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं, पर मकतुक किया है। उसमें होगा मोमोज और साथ में सूप होगा, तो फिलहाल वो खाएंगे और मेन्यू पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। मुझे यहाँ का बटर टी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि उसमें नमक भी है, उसमें बटर भी है और वो टी है, तो देखते हैं अगर पेट में जगह रहा तो वो खाएंगे, नहीं तो फिर कल ट्राई करेंगे। मैं चाय खाएंगे, अभी बंगाली ना, अभी चाय खाबो। तो हिमाचल का पहला दिन बहुत ही अच्छा रहा, और बहुत टाइम के बाद अपने जानने वालों से मिली, अच्छा लगा गुरी से मिलकर। गुरी का नाम पूरा गुरमीत है, मैं उसको प्यार से गुरी बोलती हूँ, उसको पूरा गैंग ही उसको गुरी बोलता है। तो आज तो हम जो भी किए आपको दिखाते रहे, वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर सारा कुछ दिखाते, क्योंकि हमने बहुत इंजॉय किया। और कल का भी कुछ नहीं मालूम, नेचुरली हम जो रह रहे हैं वो गुरी के घर के बहुत पास रह रहे हैं, और कल उससे फिर से मुलाकात होगी। एक बार आगे बढ़ने से पहले हम टाटा बाय-बाय उनको करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहाँ जाएंगे ये आपको हम कल की वीडियो में दिखाएंगे। आज का वीडियो एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। राम राम, जय भारत, शब खैर, गुड नाइट, लव यू।